यूपी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन, 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन, कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा पालन। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के साथ करेंगे भोजन, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में करेंगे पूजन, गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाएंगे पहली खिचड़ी। जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, 45 से अधिक घायल, रेलवे सुरक्षा आयुक्त हादसे के कारणों की करेंगे जांच। प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, माघ मेले में अब तक करीब 70 लोग कोरोना पॉजिटिव, हरिद्वार ऋषिकेश में स्नान पर रोक लागू। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, पिछले 24 घंटे में 2,64,000 नए केस, ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 5,753। वंदे मातरम नेटवर्क टेन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइफ में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। तो शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स लाइफ की, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, वहीं पंजाब से हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ी हुई हैं, रुख उत्तर प्रदेश का करेंगे। और प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आपके पास आज। जी पूजा, अगर बात करें तो आज निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका पहला फेज है और उसके लिए नामांकन 11 बजे से शुरू हो गया है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है उसको कोरोना गाइडलाइन के साथ पूरा किया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के समय जितने भी भाजपा के बागी विधायक हैं और मंत्री हैं वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। तीसरी खबर, अगर तीसरे और बड़े खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीठाधीश्वर की भूमिका में दिखाई देंगे, वो गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले का जो है शुभारंभ करेंगे, पहली खिचड़ी चढ़ाएंगे जो कि नेपाल राज परिवार से आती है, फिर उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जो है बात है कि ये सारा जो सारी प्रक्रिया जो है वो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो है तय की गई है, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही सब कुछ होगा। इसके अलावा सीएम योगी खुद अभी 12 बजे से एक दलित परिवार के साथ बैठकर भोजन करेंगे, समरसता का संदेश देंगे। और अगर चौथे खबर की बात करें पूजा, तो उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन और जो कोरोना है उसका जो संक्रमण है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि ओमिक्रॉन और कोरोना से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो महज 4 से 5 दिन के अंदर रिकवर होकर अपने घर को आ जा रहे हैं, तो रिकवरी रेट है वो जबरदस्त है। और उसके अलावा जो है सरकार ने अवेयरनेस स्कीम जो डाल रखी है, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है वो भी चरम पर है। तो ये 4-5 बड़ी खबर है जिस पर आज नेटवर्क टेन की नजर उत्तर प्रदेश में है। जी अगर बात की जाए तो IIT कानपुर की ओर से साफ कहा गया था कि 4 से 5 दिन में कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों ही पीक पर होंगे, 5 लाख से ज्यादा आंकड़े डेली सामने आएंगे। तो ऐसे में ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या के जरिए से अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो काफी ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और कोरोना के आंकड़े भी 10,000 से ज्यादा आंकड़े 24 घंटे में सामने आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय यह भी बनता जा रहा है। बिल्कुल पूजा, बात करें कि जो रिपोर्ट आई थी या फिर जो अंदेशा जाहिर किया गया था वो अंदेशा अपनी जगह फिट था, ठीक था, लेकिन लोगों की अवेयरनेस ने, लोगों के जो है सक्रियता ने इन संख्याओं में कमी की है। हमने देखा कि पिछले 24 से 48 घंटे में बहुत ज्यादा जो है आंकड़ों में बढ़ाव नहीं हुआ है, बहुत जो है वो संक्रमित मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो गोरखपुर में 219 थे 2 दिन पहले, अब 222 है। अगर हम बात करें तो आगरा में विस्फोट हुआ है, उसके अलावा तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनको बंद करा दिया गया है, नहीं तो वहां भी विस्फोट होना लाजमी था। तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो जो सरकार की तरफ से जो अवेयरनेस स्कीम चलाई गई है उसका प्रभाव लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य रखा गया था, वैक्सीनेशन में भी जो है उत्तर प्रदेश के लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये एक बेहतर परिणाम है। जी पूजा, बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है, तो क्या हलचल राज्य में देखने को मिल रही है, जो प्रत्याशी हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे? सीटें
पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ ही देर में। हालांकि ये जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जोन में जो पहले स्टेज में प्रत्याशी हैं उनके नाम की लिस्ट नेटवर्क टीम के पास कल रात को ही आ गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है उस घोषणा के बाद हम उस लिस्ट पे मोहर लगाएंगे। तो अभी तीन पार्टियों ने पूरी तरह से जो है नामांकन के लिए जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। भाजपा का इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी जो ही घोषणा करती है तो जो प्रत्याशी है वो भी बूथों पे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सुविधा ऐप का जो है इस बार निर्वाचन आयोग ने एक ऑप्शन दिया है, एक विकल्प दिया है, और उस विकल्प के साथ जो है जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह से नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व प्रदीप अब शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि और क्या कुछ उठा पटक या फिर दल बदल नजर आएगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी बीच हमारे साथ पंजाब से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आज दिन भर बने रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए पांच राज्यों के चुनावों की अगर बात करें उसमें एक राज्य पंजाब भी है, और पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना है और 10 मार्च को नतीजे आने हैं। लेकिन अभी तक जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए या कांग्रेस की, उनकी तरफ से सूची जारी नहीं की गई है उम्मीदवारों की। और यहां पर बीते कल जो कांग्रेस अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनकी तरफ से वर्चुअल तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जरूर ली गई थी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मतभेद खुलकर नजर आया। और वहीं क्योंकि वर्चुअल तरीके से ये दोनों नेता जुड़े थे, और कैंपेन कमेटी के जो प्रधान हैं सुनील जाखड़ वो भी इस बैठक में मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कई सीटों को लेकर आपत्ति जताई गई है। ऐसे में जो सूची बीती रात जारी होनी थी उम्मीदवारों की 60-70 नामों की, वो कहीं ना कहीं अटक कर रह गई है। और आज दोबारा से जो कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन दोबारा वर्चुअल तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लेंगे, और इस बैठक में देखिए तय किया जाएगा कि जो 60-70 तकरीबन सीटें हैं वहां से किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाए। यहां पर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में एक नारे के साथ जाएंगे, एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगी, लेकिन यहां पे तमाम कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उनमें शामिल हैं, जो अपने परिवार के किसी सदस्य को या रिश्तेदार को टिकट चाह रहे हैं। सुनील जाखड़ भी अपने रिश्तेदार को टिकट चाह रहे हैं और अन्य कैबिनेट मंत्री भी चाह रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि एक परिवार से एक सदस्य को टिकट मिलेगी, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं बात यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में पहले जो कांग्रेस हाईकमान है वो चाहती है कि जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो चमकौर साहिब, जहां से वो हमेशा ही चुनाव लड़ते हैं, वहां से जरूर चुनाव लड़े। इसके अलावा जालंधर के आदमपुर से भी वो चुनाव लड़े, क्योंकि आदमपुर वो इलाका है जहां पर कहीं ना कहीं जो दलितों की संख्या है वो बहुत ज्यादा अधिक है। लेकिन जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार को वहां से टिकट मिले। यहां तक कि जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं उनके भाई भी चाहते हैं कि उनको विधानसभा चुनाव की टिकट दी जाए। कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है, और आज देखना होगा कि आज जो दोबारा वर्चुअल तरीके से बैठक होगी उसमें इन नेताओं में कोई आपसी सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, क्योंकि 21 तारीख से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो यहां पर देखिए जिस तरीके से पंजाब की 22 किसान जथेबंदियों की तरफ से भी ये निर्णय लिया गया है कि वो भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। किसानों की तरफ से जो 22 किसान जथेबंदियां हैं उनकी तरफ से संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया गया है चुनाव को लड़ने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन हरियाणा BKU के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिनकी अगुवाई में किसान आंदोलन हरियाणा में चला था और हरियाणा के तमाम नेता उनके साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो खुद नहीं लड़ने वाले हैं, अपने उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो संयुक्त संघर्ष पार्टी है उन दोनों में गठजोड़ लगभग तय हो चुका था किसानों की, जो पंजाब की पार्टी है और हरियाणा की, लेकिन अब मतभेद दोनों किसान पार्टियों में नजर आ रही है। यहां पर गुरनाम चढ़ूनी चाहते हैं कि 117 विधानसभा सीटों में से 25 से 30 सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन जो बलबीर सिंह राज्यपाल हैं BKU राज्यपाल के प्रधान, जिसके नेतृत्व में पंजाब में किसान चुनाव लड़ने वाले हैं, वो चाहते हैं कि वो 9-10 ऐसी सीटें हैं जो इन्हें दी जाए। ऐसे में आपसी मतभेद किसानों में भी देखने को मिल रहा है। किसान
किसानों की इस वक्त मीटिंग जरूर चल रही है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, जिसमें वो तय करेंगे कि वो बलबीर सिंह राज्यवाल जो पंजाब के किसान जत्थेबंदियां हैं उनके साथ जाएंगे या अकेले 117 विधानसभा चुनाव सीटों में चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ पहले किसान जत्थेबंदियां जाने वाली थी और मुख्यमंत्री का चेहरा बलबीर सिंह राज्यवाल होने वाले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले चाहती थी कि उन्हीं के चुनाव चिन्ह में किसान चुनाव लड़े, लेकिन किसानों की तरफ से हामी नहीं भरी गई। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि 10 से 15 सीटें किसान ले, लेकिन किसानों का कहना था कि 117 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटें उन्हें चाहिए जिसपे वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर होगा, क्योंकि किसान अगर चुनाव में उतरते हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है केंद्रीय चुनाव आयोग पर कि किसानों को कहीं ना कहीं तवज्जो परिवार जा रही है, ताकि उनको चुनाव का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। हम देखते हैं कि लगातार किस तरह से हर पार्टी एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के बीच आखिर जो टिकट के बंटवारे को लेकर जो स्थिति चल रही है उस पर सहमति क्या कुछ बनेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। रुक करेंगे बिहार का, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक रंजन लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे बिहार की क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास। जी बिल्कुल, की बात कर ली जाए बिहार को लेकर, तो बिहार में कोरोना की रफ्तार है जो भयावह रूप ले ली है। ऐसे में लेकर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक होगी शाम के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में, क्योंकि कोरोना का जो नाइट कर्फ्यू का जो डेट थी वो 21 जनवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में लेकर सरकार पहले से ही कड़ी एक्शन लेने के लिए सख्त बरत रही है, क्योंकि बता दें कि बोर्ड का भी एग्जाम जो है सर पे है। और लगता है विवेक से संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और इस वक्त हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, दिल्ली से गुलशन शेफी और छत्तीसगढ़ से उत्पल सेन गुप्ता। रुक दिल्ली का करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे गुलशन की राजधानी दिल्ली की क्या कुछ बड़ी खबरें आज आपके पास हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबरों पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज मौसम आकमिचोली वाला है और लगातार दो दिन से कोहरे की चादर दिल्ली पर छाई है, जिसकी वजह से दिल्ली की जो वाहनों की गति है उस पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि विजिबिलिटी करीब करीब लगभग आधी रह गई है। और जो गति सीमा की अगर हम बात करें सामान्य दिनों के मुकाबले, तो करीब 65% की उसमें कमी आई है। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह मैं बता दूं कि दिल्ली में अगर हम बाकी राज्य की बनिस्पत देखें तो यहाँ कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, और बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 31 मौतों के साथ करीब 29,000 के करीब मामले सामने आए हैं, जिसमें जो अपने आप में बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। अगर हम बात करें अप्रैल 2021 की, तो उसके बाद में अगर हम तुलना करें तो आज 2022 में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा और सबसे ज्यादा जो केस है वो हमारे सामने है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना का जो विस्फोट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तमाम पाबंदियों के बीच कोरोना जो अपने पैर पसार रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली में और दूसरी राजनीतिक हलचल की, तो दिल्ली में फिलहाल जो भाजपा इसमें बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में अब चुनावों की जो चरण है और तारीखें हैं वो तय हो चुकी हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा सभी राजनीतिक दल अपनी माथापच्ची कर रहे हैं और फूंक फूंक करके अपने उम्मीदवारों को चुनने का काम कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी में तेजी दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए ये तय कर लिया है कि वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, और इससे पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अगर हम बात करें तीसरी और अहम बड़ी खबर की, तो दिल्ली में प्रदूषण किसी से छिपा नहीं, और प्रदूषण को लेकर दिल्ली पूरे देश में राजनीति का केंद्र भी बनती रही है। तो ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों को एक राहत देने जा रहे हैं, जो 100 इलेक्ट्रिक क्लस्टर बसें हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसे प्रदूषण के खिलाफ एक अहम युद्ध माना जा रहा है और एक लड़ाई माना जा रहा है जो कारगर हथियार साबित हो सकती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ से क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके पास हैं। देखिए, प्रदेश की अगर बात करूं तो प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो कोरोना ही है। कोरोना ने एक बार फिर प्रदेश में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कल 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव खुल गए। इसी के साथ ही राजधानी रायपुर की बात करें तो 2020 मामले सिर्फ रायपुर के हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में 30,000 का आंकड़ा पार कर गया है, जिसमें जो एक्टिव मरीज है वो 30,000 की संख्या से ज्यादा है।
उसके साथ ही प्रदेश में अगर दूसरी बड़ी खबर की मैं बात करूं तो अब स्कूल के साथ साथ प्रदेश के कॉलेजों को भी बंद करने का निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश में पहले स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन एकाएक कोरोना का आंकड़े बढ़ने के साथ ही अब प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने निजी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो पहले कक्षाएं ऑनलाइन लग रही थी उसके साथ साथ अब परीक्षाएं भी कक्षाओं के साथ ऑनलाइन ही होगी, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के लिए अगर मैं तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में राज्य शासन द्वारा गुरुवार की देर शाम 23 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 6 जिला के कलेक्टर भी हैं। इसके साथ ही अब गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की कलेक्टर ऋचा होंगी। इसके साथ ही आईपीएस दीपांशु काबरा जो कि अभी फिलहाल में जनसंपर्क आयुक्त हैं, उन्हें परिवहन का अतिरिक्त चार्ज देकर उनका कद बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं चौथी बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में अब बीते दिनों धर्म संसद में जो विवाद हुआ जिसमें गांधी जी के लिए अपशब्द कहे गए कालीचरण के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था, जिसको लेकर जिला सत्र न्यायालय रायपुर में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी, जिन्होंने अब राहत और जमानत याचिका के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अभी दिनांक तय नहीं है कि कब इनकी सुनवाई होगी। ये प्रमुख खबरें हैं जिस पर नेटवर्क 10 छत्तीसगढ़ की नजर रहेंगी। बिल्कुल उत्पल, देखिए जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति की बात करें तो इससे पहले भी जब 2 कोरोना की वेव्स आई थी तो छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही सुनिश्चित ये कर रहे हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी रहें, तो इसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है और अगर कोरोना की स्थिति खराब होती आने वाले समय में, क्योंकि जो वैज्ञानिक है उनकी ओर से साफ कहा गया है कि आने वाले समय में कोरोना के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं इसको लेकर भी। जी बिल्कुल, दरअसल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उनको भी बीते दिनों कोरोना हुआ था, लेकिन जब तक वो स्वस्थ हो गए उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई 14 दिन बाद, तो तब तक वो स्वस्थ हो चुके थे, बाद में पता चला इनको भी ओमिक्रॉन है। लेकिन अभी जो जानकार है वैज्ञानिक है उनका कहना हुआ है, जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं इस मुद्दे पे कोरोना पे ओमिक्रॉन पे डेल्टा पे, तो उनका कहना है कि ये जो पहले जो वेरिएंट आया था कोरोना का, जो सबसे पहला वेव था, उसमें वो फेफड़े पे असर कर रहा था, दूसरी लहर में फेफड़े में ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा था, लेकिन जो तीसरी लहर है ज्यादातर लोगों को एक डोज या डबल डोज लग चुके हैं, अभी बूस्टर भी दिया जा रहा है, तो फेफड़े में इन्फेक्शन कम कर रहा है, इसलिए ज्यादा स्थिति खराब नहीं हो रही है। लोग जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है जिसको लेकर वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ज्यादातर 99% लोग घर में ही स्वस्थ हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी जो है वो मुख्यमंत्री से बराबर चर्चा कर रही है बीच बीच में कि ये हालात क्या है, तो उसे मुख्यमंत्री ने उनको बताया था कि हालात दुरुस्त है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है, फिर भी मुख्यमंत्री के द्वारा बराबर मॉनिटरिंग करके प्रिकॉशन लिया जा रहा है और हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि स्थिति बिगड़ने की नौबत ना आए। बकायदे हॉस्पिटल में बेड बढ़ा दिए गए हैं, बच्चों के लिए अलग ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, इसके साथ ही ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था पर्याप्त रखी गई है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके, ऐसी कोई भी स्थिति बिगड़ने ना सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बिहार का और विवेक से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आज दिन भर विवेक रहने वाली हैं, एक बार फिर से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 बजे सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम है वो सर पे है, 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम हो रहा है, उसमें लेकर जो कोरोना का जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना के आंकड़ा बढ़ रहे, ऐसे में शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी जो बोर्ड का समय है निर्धारित समय पे ही एग्जाम होगी, कोई डेट नहीं एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन जो कोरोना की जो बात कर ली जाए, कोरोना बिहार में इतनी आंकड़ा लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से राजधानी पटना में बात कर ली है तो राजधानी पटना में 2 से 3 हजार तक मामला आए दिन आ रही है, ऐसे में लेकर सरकार को कड़ी एक्शन उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप के बैठक करेंगे, इससे पहले भी बैठक 2 बार कर चुके हैं, लेकिन जो कोई वही पुराने नियम को ही सख्ती से पालन करने के लिए दिशा निर्देश दी जा रही है। अगर वहीं दूसरी खबर की बात कर ली जाए कोरोना से ही जुड़ी, तो 103 अस्पतालों को मंजूरी मिल गई है, वहां पे कोरोना का इलाज होगा और सरकार की तरफ से अध्यादेश भी जारी कर दिया है कि 103 हॉस्पिटल है, जो कि राजधानी पटना में 5 से 6 हॉस्पिटल है, और बात कर लीजिए तो बिहार के सभी जिलों से सभी हॉस्पिटल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी इलाज होगा जो कोरोना से जुड़ी है। जिस तरीके से बिहार में कोरोना के आंकड़ा लगातार बढ़ गया, उससे मिलकर स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचे हुए, क्योंकि बात कर ली जाए तो बिहार में कोई भी इससे अछूता नहीं है, चाहे मंत्री हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, सभी कोरोना के चपेट में ऐसे में आ रहे, ऐसे में अब सरकार सभी लोगों को दिशा निर्देश दे दिया कि स्वास्थ्य महकमे में
किए, अब 103 हॉस्पिटल के मंजूरी मिल गई है, सभी में इलाज होगा। वहीं राजनीतिक जुड़ी से बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रही है, उत्तर प्रदेश चाहे पांच राज्य में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, ऐसे बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू का अभी तक सीट बंटवारा के लेकर किसी भी प्रकार का नहीं हुई है और आज से नामांकन की भी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। ऐसे में जेडीयू को 23 सीट पर अड़ी हुई 23 सीट हमको चाहिए, लेकिन 23 सीट में कौन कौन सी सीट चाहिए अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। और इसी के साथ फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।